हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। गाइस, एक अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है NMC के थ्रू, नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ कि अर्जेंट बेसिस पर क्या ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। कुछ सीटों को लेकर है, ठीक है, तो रिन्यूअल को लेकर है। आज ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस आज ही के दिन आपका जारी हुआ है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा गाइस। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट UG से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, मैं बता दूँ, नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं UG PG के, उनके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी होते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, और मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ कि क्या ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। आज ही के दिन ये नोटिस जारी हुआ है, तो देखिए। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये 18/8/2022 आज के दिन ये नोटिस जारी हुआ है। किसको लेकर है? ये सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए है, ठीक है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऑल मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग PG कोर्सेज, ठीक है। किसके रिगार्डिंग है ये आप देख लीजिए, यहाँ सब्जेक्ट में दिया गया है, रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स इन ब्रॉड स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज MD MS डिप्लोमा अंडर ऑल इंडिया कोटा एंड 100% सीट्स ऑफ सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर द ईयर 2022, ठीक है। तो गाइज, ये PG कोर्स के लिए है, आपका MD MS डिप्लोमा के लिए है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। डियर सर ओ मैडम, नेशनल मेडिकल कमीशन इज़ इन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम PG मेडिकल कॉलेजेस रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ रिकॉग्नाइशन या रिन्यूअल ऑफ रिकॉग्नाइशन ऑफ PG डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज फॉर विच एप्लीकेशंस वर सबमिटेड बाय देम ड्यूरिंग 2022 इन ऑर्डर टू फिल अप द सीट मैट्रिक्स फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा मेडिकल काउंसलिंग। द एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर रिकॉग्नाइशन रिन्यूअल ऑफ रिकॉग्नाइशन ऑफ PG डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज ड्यूरिंग 2022 आर अंडर प्रोसेस एंड वी विल टेक टाइम, ठीक है। तो गाइस, ये अंडर प्रोसेस है और अभी इसका जो है टाइम लिया जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स बोर्ड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 28 जून को मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर डिस्कस किया गया था इस इशू को, और डिसाइड किया गया दैट टू ओबलिट्रेट द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द कॉलेजेस एंड द स्टूडेंट ड्यू टू नॉन रिकॉग्नाइशन नॉन रिन्यूअल ऑफ द PG कोर्सेज इन व्यू ऑफ द कोविड पैंडमिक एंड रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, रिकॉग्नाइशन ऑफ कोर्सेज ऑफ सच कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस मे बी एक्सटेंडेड बाय वन और मोर ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल, अप टिल एडमिशन फॉर द 2022 बैच, however it will not be applicable in those cases for which any specific order has been issued by medical assessment and rating board or post graduate medical education board for stopping of admission in any specific course. थर्ड पॉइंट में दिया गया है, हैंस सभी मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द सीट मैट्रिक्स फॉर मेडिकल काउंसलिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये कॉपी किन किन को भेजी गई है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। डॉक्टर DB श्रीनिवास, ADC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, निर्माण भवन न्यू दिल्ली, और ऑल काउंसलिंग अथॉरिटी जो स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज की है, उन सबको एक कॉपी भेज दी गई है, ठीक है गाइज। तो ये एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है नीट PG के स्टूडेंट्स के लिए है, जो सीटें हैं उनको लेकर है, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो होता है उनके रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिस है। तो गाइज, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।